नलिकले यानी खेलों सीखो क्लास। इससे पहले ये नहीं राइज था। खेलों सीखो आने के बाद बच्चों को थोड़ा इजी हो गया। खेल खेल में हम उनको अच्छा सिखा सकते हैं। खेल के ज़रिए हरूफ की शिनाख्त, कोई चीज़ को क्या बोलते क्या नहीं, बच्चा पहले से सीख के आता घर में, उसके बाद हम उसको गलत क्या है सही क्या है उसको सिखाना है। खेल खेल में, गाने के ज़रिए, कहानी के ज़रिए उनको सिखाना है। ये खेलों सीखो गवर्नमेंट की तरफ से इजी बच्चों को राइज किया गया। बच्चे उससे फ़ायदा भी हासिल कर रहे हैं, खुशी खुशी आते हैं और सीखते हैं बच्चे। और कल कौन सी स्टोरी बोलते हैं टीचर, कौन सा गाना सिखाते बोल के ख्वाहिश से स्कूल की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। उर्दू हरूफ तहजी के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड्स, झलके कार्ड्स और मटेरियल्स आए हैं, उसको हम यूज़ करते हुए सबक को बच्चों को हरूफ की शिनाख्त कराते हैं। और उसके बारे में कहानी है, नज़में हैं, फिर बाद में उन लोगों को टेस्ट है ज़बानी। बच्चे लिख तो नहीं सकते ना, छोटे बच्चों को थोड़ा टेस्ट ओरल टेस्ट लेके उनको आगे बढ़ा सकते हैं। कम है कार्ड्स ज़्यादा है, संग मेल के तहत पढ़ाया जाता है उर्दू में। और मैथ्स में भी, इल्म रियाजी में भी ऐसी है, कार्ड्स हैं, नंबर्स हैं, झलके कार्ड्स हैं, उसके बारे में लेके यूज़ करके पढ़ाते हैं। वैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के भी गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड्स आए हैं और ईवीएस के भी आए हैं फर्स्ट सेकंड के, उसको यूज़ करके दायरा बना के बच्चों को हम उनकी रहनुमाई करते हैं। होशियार बच्चों को दायरे में बिठाते हैं, बिठा के उन लोगों को कार्ड दे के उनकी मदद से पढ़ाते हैं। बच्चे सीख रहे हैं भी, खुशी खुशी आ रहे हैं भी पढ़े में। अभी ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर दरकार है, जो आप चाहती हैं कि हुकूमत आप बच्चों के लिए और वो चीज़ करें? कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत है यहाँ पर क्लास के लिए या फिर नली तली के लिए, और थोड़ा प्रोग्राम की या फिर कोई ऐसी चीज़ की जो आपको ज़रूरत है? बच्चों को सहूलत क्या है, बिस्कुटा भी दे रहे हैं और क्या है, उन लोगों को थोड़ा गरीब बच्चे हैं यहाँ पर गांव में आते सब, उनको थोड़ा कापी पेंस बुक स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, इसलिए थोड़ा गरीब है बच्चे, उनको थोड़ा कापी वो लाने में थोड़ा दुश्वारी, तो हम थोड़ा मदद करते हैं। हमारे एच एम सर हम लोग क्या करते हैं, उनको दिला देते हैं पेन कापी, थोड़े प्रोग्राम्स रखते हैं स्कूल में, वो क्या करते हैं उन लोगों को खुशी खुशी बच्चे फर्स्ट सेकंड निकाल के उन लोगों को उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। क्या आज का जो दौर है वो डिजिटल दौर है, मगर अभी मैनुअली चल रहा था, तो क्या आपको नहीं लगता कि डिजिटल भी होना चाहिए गली गली में के बच्चों को? हाँ होना चाहिए, फिल्म के जरिए। हाँ बहुत शौक से देखते बच्चे, वो कमी डिजिटल के जरिए, ये तो और अच्छा है, बच्चे और शौक से सीख सकते।